सिंह इन दिनों पार्टी होस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अपने रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये पार्टी दूसरी बार होस्ट की है। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सानिया मिर्जा के साथ और कुछ फैंस के साथ एक पार्टी होस्ट की थी, और उसके बाद एक बार फिर से वो एक पार्टी में नजर आए हैं। इस पार्टी में उनकी पत्नी हेजल कीच है और सानिया मिर्जा भी हैं। सानिया मिर्जा के साथ इस पार्टी में बेहद खुश नजर आ रहे युवराज सिंह। वैसे युवराज सिंह को हक है कि वो खुश नजर आए। युवराज सिंह ने जिस तरीके की क्रिकेट खेली है, उस तरीके की क्रिकेट खेलने के लिए अब सोचना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि नंबर चार को लेकर अब भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और कोई भी खिलाड़ी नंबर चार के लिए सटीक नहीं बैठ पाया है, ये वर्ल्ड कप के रिजल्ट ने बता दिया है। जिस तरीके से सेमीफाइनल में इंडिया ने हार का मुंह देखा, उसके बाद टीम इंडिया की कितनी थूकाफजीहत हो रही है, ये किसी से छिपी नहीं है। खैर, ये तो बातें हुई कि किस तरीके से वर्ल्ड कप में नंबर चार को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही और तमाम लोग सोच रहे थे कि कार्तिक हो सकते हैं नंबर चार, हार्दिक पांड्या हो सकते हैं नंबर चार। इसके अलावा विजय शंकर को भी लाया गया था, लेकिन वो भी बेहतर नहीं हो पाए। तो इन तमाम खिलाड़ियों पर सबकी नजरें थी, लेकिन कोई भी उस जगह पर सटीक नहीं बैठ पाया। आखिर युवराज की जगह कोई भी शायद ले पाए, क्योंकि अब तक तो जितने भी खिलाड़ी थे सब फेल हो गए। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, युवराज सिंह को लेकर जो वर्ल्ड कप में हुआ उसके बाद की जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं वही कह रही हैं। खैर, हम बात कर रहे थे पार्टी की, इस पार्टी में क्या कुछ हुआ और कौन कौन से ऐसे दोस्त थे युवराज के जो शामिल हुए और इस डिनर पार्टी को बनाया बेहद खुशनुमा, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। धोनी बेअक्ल है, जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि युवराज सिंह के पिता के ये बोल हैं। युवराज सिंह के पिता फिलहाल बेहद नाराज हैं। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। योगराज ने कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान धोनी ने हाल ही में संपन्न विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जानबूझकर मैच हराया। याद हो कि मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में हुए सेमीफाइनल में मार्टिन गप्टिल के सटीक थ्रो पर एमएस धोनी रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे। माही ने इस मैच में 50 रन की पारी खेली थी। योगराज का मानना है कि धोनी ने जानबूझकर टीम इंडिया को मैच हराया। एक वीडियो इंटरव्यू में योगराज ने कहा कि धोनी ने जानबूझकर ऐसा खेल नहीं दिखाया कि टीम इंडिया मुकाबला जीत सके, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके अलावा कोई और कप्तान विश्व कप की ट्रॉफी हासिल करे। न्यूजीलैंड ने रोमांचक सेमीफाइनल में भारत को 18 रन से मात दी थी। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 77 रन की उम्दा पारी खेली थी। उन्होंने मैदान में चारों कोनों में शॉट घुमाए थे। योगराज ने कहा कि एक लड़का आता है रविंद्र जडेजा और उसी विकेट पर शॉट खेल रहा है, 6-4 और एक रन ले रहा है, खुलकर खेल रहा है, दिलेरी से खेल रहा है, जिगरे से खेल रहा है और आप दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हो। आप 77 रन पर बल्लेबाजी करने वाले को बोलते हो कि शॉट लगाओ, इससे पहले आप हार्दिक पांड्या को बोलते हो कि स्पिनर पर प्रहार करो, यही नहीं आपने ऋषभ पंत को भी शॉट खेलने को कहा। मैं समझता हूं कि आप इतने बड़े प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी, इतनी क्रिकेट तुमने खेली, तुमको क्या जिंदगी में अक्ल नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना? तुम दूसरों को जानकर बोलते हो कि शॉट खेलो, क्या युवराज सिंह ने कभी ऐसा किया है कि तुम शॉट खेलो? मैं टिक टिक करता हूं। धोनी के साथ ही उसने भारत को कई मैच जिताए हैं, ये महाशय वहां बोल रहे हैं कि तुम शॉट खेलो। अरे, तुम्हें कितनी हाफ बॉल्स मिली, लेफ्ट आर्म स्पिनर को तुम भी खेल रहे थे, कितने लंबे लंबे छक्के तुम मारते हो, कितने बढ़िया तुम शॉट्स खेलते हो, तब आपको क्या लगता है इन शॉट्स में तुम्हें क्या दिखता है? क्या आप घबरा गए थे? अरे, आउट ही हो जाते ना, और क्या फर्क पड़ता? आप लड़ते हुए सीने पर गोली खा लो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीठ के पीछे चूहे की तरह भाग भाग कर गोली से कब तक बचोगे? ये पहला मौका नहीं है जब योगराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी पर निशाना साधा हो। इससे पहले उन्होंने धोनी पर युवराज को भारतीय टीम से बाहर करने का आरोप लगाया था। फिर अंबाती रायडू के संन्यास का ठीकरा भी योगराज ने धोनी के सर पर फोड़ा था। योगराज ने कहा था कि महेंद्र सिंह धोनी इस समय भारतीय क्रिकेट की सभी परेशानियों
के केंद्र बिंदु हैं। विश्व कप 2019 में भारतीय टीम के बाहर होने के बाद से धोनी के भविष्य की चर्चाएं जोरों पर हैं। 38 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने अब तक संन्यास लेने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है कि वो आगामी वेस्ट इंडीज दौरे पर खेलना जारी रखते हैं या नहीं। वैसे रिपोर्ट्स मिली है कि धोनी ने आगामी वेस्ट इंडीज दौरे से खुद को किनारे कर लिया है और वो टीम इंडिया के बदलाव में भूमिका अदा करने को तैयार है। अब ये देखना होगा कि कितने समय में धोनी अपने संन्यास का ऐलान करते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।